अपनी पत्नी के बराबर साए है दुनिया में किसी को नहीं चाहते थे। शादी भाई और पहले शायद गोनो तो का हो तो क्या कहते हैं गोनो का रोनो रोनो हो तो जीवन भर को रोनो है हमें ना मालूम। चौथी चली हम जा जानते जो अमन देखे अरे तुम्हारी कछु कहते हमारी चौथी हाँ तो परिचित महाराज की पत्नी की चौथी चलवे के बाद उनके भैया ले गए जब मायके वाले ले गए अब परिचित महाराज तुलसीदास जी को ठाणे बैठे चैन में वे सोच रहे हैं अब हम पत्नी के बिना रात में सोएंगे कैसे हमें नींद ना आएगी और रात के 12 बजे जगत रहे जगत रहे जगत रहे सोचे हमें तो नींद ही ना आ रही अब क्या करें। सो रात के समय अपनी पत्नी से मिलवे के लिए अपने ससुराल के लिए चले पीछे ही पीछे वे पहुंच पाई सही सलामत सोई नहीं पाई थी। अब बेउ तो प्यार करती थी मैं पति को बेउ बहुत चाहती थी सो बिने उन्हें नींद रहे लेकिन इन्हें ज्यादा कछु ना रहे। परीक्षित महाराज जब तुलसीदास जी चलते चलते पहुंचे अब बीच में मिली नदी अब सोचने लगे कड़ी खाई की जा नदी और है हमें तो तेरा वो ना जानते बापार जाएंगे कैसे। तब तक एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था प्रेम में इतने अंधे रहे मुर्दा को बैठ पकड़ा और मुर्दा के ऊपर बैठ के बापार चले गए। जैसे उस पार गए अपनी पत्नी के जहां मेल रहे ससुर साहब के सोचा अगर आगे से जाएंगे तो मार को दुखी ना रहेंगे रात है लोग जानेंगे चोर है तो हम बहुत पिटेंगे पीछे थे मैं गए। सो पीछे अब घर के पीछे जैसे मान लो जो घर है तो बाके पीछे तो झड़वार होते हैं घास घास दुनिया भरे और पीछे जैसे ही तुलसीदास जी गए सो गंदगी तो रहे और बाके जो दीवार रहे दीवार बाबे को सांप लटक रहे बड़ो लंबो हट्टो कट्टो पुरानो होएगा। अब तुलसीदास जी ने सोचे बारी हमारी पत्नी हमें बहुत चाहती है वो जानती थी कि हमारे पति बिना मेरे रह ना सके तासुवा ने पहले ही से रस्सी टांग रखी है। परीक्षित महाराज जैसे ही पहुंचे हैं तुलसीदास जी और तुलसीदास जी जो सांप रहे सो रस्सी समझ गए सो पकड़ो काय बने जेवना लगी हो एक रस्सी ऐसी होती है हाँ वो कहावत है ना कि प्रेम में अंधे हो जाता है वो सत्य है। तुलसीदास जी ने उस सांप को पकड़ा और पकड़ के चढ़ गए ऊपर। अब ढूंढते फिर रहे हैं कि कौन से कमरा में हमारी पत्नी है जो तो पता लगा है ना पत्नी के धोखे का और को चतरा उचका तो बहुत पिटेंगे। सो ढूंढ रहे हैं पहुंचे जाएंगे और जैसे ही पत्नी के पास हम पहुंचे हो जो ही चतरा हटाओ पी पत्नी देखियो छटपटाए के पत्नी जैसे ही जगी रात के 12 बजे जैसे ही पत्नी ने अपने पति को देखा छक्का छूट गए पत्नी के ओह इतनी रात में तुम पीछे ही चले आए धिक्कार है तुम्हें शर्म नहीं आई बोले हम तुम्हारे बिना रह कैसे सकते थे का कही आंखों में लोह के कतरे भर करके रोष में आ करके वो पत्नी कहने लगी महाराज अरे सजन भाई और प्राण छूट के भगवान से किया होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता।
जैसे ये झाड़ लगाई पत्नी ने, ऊपर देखते ही रह गए पति महाराज। और सच बात तो ये है कि पत्नी वही है जो पति को सच्ची राह दिखाए, पत्नी वही है जो पति को सच्ची राह दिखाए। आज पत्नी के ये झाड़ देख करके महाराज तुलसी शरणों में गिर गए, किसके? अपनी पत्नी के। और हाथ जोड़ करके बोले, प्यारी आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, आज से तुम मेरी सच्ची गुरु हो, जो तुमने मुझे इस संसार सागर में जगा दिया, नहीं तो मैं सो रहा था। अपनी पत्नी को गुरु मान करके उसी दिन से तुलसीदास ने अपने रास्ते को मोड़ लिया, भगवान के चरणों में लगा लिया। बोली राज बिहारी भगवान की।